नमस्ते, आपके प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह सही तरीके से करें, ना कि उसे जोखिम में लेते हुए या बेतरतीबी से करें। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें तो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। क्या आपको मालूम है कि हाल ही भारत में पहली बार लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं? जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। अब हम आपको बताते हैं कि यह क्यों एक खास बात है। लिथियम एक दुर्लभ एलिमेंट है जिसका प्रयोग रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कार्स बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन एमिशन कम करने के भारत के प्रयासों में इस खोज से मदद मिलेगी। साथ ही देश के ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करके ग्लोबल वार्मिंग के संकट का सामना करने से संबंधित काम भी आसान हो जाएंगे। यह तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 भारत के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए सबसे बड़ी ग्रासरूट्स लेवल मल्टी स्पोर्ट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन इसी हफ्ते गुलमर्ग में किया गया था। क्या आपको मालूम है कि इन खेलों का प्रस्ताव सरकार द्वारा 2017 में किया गया था ताकि बच्चों में ग्रासरूट्स लेवल पर भारत के स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। यह पहल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इसके साथ जुड़ने के बाद इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। महाराष्ट्र ने कुल 161 मेडल जीते हैं जिनमें से 56 गोल्ड हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र इस साल विजेता बनकर उभरा है और इस साल 11 एथलीट्स ने सभी क्षेत्रों में 15 नेशनल यूथ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। यह वास्तव में बहुत ही इवेंटफुल टूर्नामेंट है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सबसे रोमांचक समय है क्योंकि पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में 2023 का आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। यह इस कप का 8वां एडिशन है। पिछली बार की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को इस बार भी ट्रॉफी जीतने की उम्मीद होगी, लेकिन इस बार यह उतना आसान नहीं होगा। जेमिमा रॉड्रिक्स और रीचा घोष ने ग्रुप बी स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर भारत की जीत में मदद की थी और अब नॉकआउट स्टेज में हमें ऑस्ट्रेलिया से जीतने का इंतजार है। इस टूर्नामेंट का फाइनल 26 फरवरी को होगा, तो आप भी अपनी ब्लू जर्सी तैयार रखें। भारतीय सेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सहयोग से कल भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन का आयोजन 13,862 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। इसमें भारत और विदेशों के चुने गए 75 एथलीट्स भाग लेंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस मैराथन को लास्ट रन का टाइटल दिया गया है। क्या आपको मालूम है कि इस मैराथन की विजेता का नाम दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन विनर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकता है। कल यह मैराथन जरूर देखिए। भारत की केंद्र सरकार ने अब सर्विस रोड्स या नेशनल हाईवेज तैयार करने या उनकी मरम्मत करने में प्लास्टिक के कचरे का प्रयोग आवश्यक कर दिया है। इससे हमारी सड़कें ज्यादा टिकाऊ, सस्ती, मजबूत और गड्ढों से मुक्त होंगी ही। साथ ही इससे शहरों के प्लास्टिक कचरे को डिस्पोज करना भी आसान हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि भारत में 2013 में सड़कें बनाने में प्लास्टिक के कचरे का प्रयोग शुरू किया गया था। इस प्रकार भारत यह काम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। हमारी सड़कों को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने पर्यावरण से प्लास्टिक की सफाई का यह बहुत बढ़िया तरीका है ना? सऊदी अरेबिया द्वारा इस साल अपनी पहली महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। 2030 की दूसरी तिमाही में राइना बर्नबी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन पर एक साथी एस्ट्रोनॉट अली अल करानी के पास पहुंचेगी। लेकिन यह सऊदी अरेबिया का स्पेस में पहला प्रवास नहीं है। 1985 में एक सऊदी रॉयल प्रिंस ने एक यूएस ऑर्गेनाइज्ड स्पेस मिशन में भाग लिया था और वे स्पेस में जाने वाले पहले अरब मुस्लिम बन गए थे। वह एयरफोर्स पायलट भी थे।
अब रायना भी इस साल अपनी यह यात्रा शुरू करके इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। इसी हफ्ते न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल के आने से उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और ओशन स्वेल्स होने के कारण वहां राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। क्या आपको मालूम है उस देश के इतिहास में यह तीसरी बार आपातकाल की घोषणा है। हजारों घरों में बिजली नहीं है और भारी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहां से लोगों को तुरंत ही बाहर निकाला जा रहा है। न्यूजीलैंड में यह इस शताब्दी की सबसे बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना है तथा इससे देश के एक तिहाई से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वे लोग इस प्राकृतिक आपदा से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन पिछले हफ्ते 100 फुट ऊंचे इस स्टैचू पर बिजली गिरी, जिससे यह मूर्ति गॉडली और ऑ इंस्पायरिंग फिगर बन गई। लेकिन इस स्टैचू पर यह पहली बार बिजली नहीं गिरी है। ऐसी ही घटनाएं 2008 और 2014 में भी हुई थी और इससे हुए नुकसान को ठीक कराना पड़ा था। इस बार पता नहीं बिजली गिरने से कितना नुकसान हुआ है। फरवरी में शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान हर साल सूरज कुंड में 40 एकड़ जमीन पर भारत के कलरफुल ट्रेडिशनल क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह सूरज कुंड क्राफ्ट मेला ही है जिसे देखने 1.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। इनमें 2 लाख विदेशी भी होते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह मेला 1987 में भारत की रिचनेस और डाइवर्सिटी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स तथा कल्चरल फैब्रिक को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर है और दुनिया भर में मशहूर है। इस साल के मेले की थीम भारत की अष्ट लक्ष्मी उत्तर पूर्व की अनोखी विभिन्नता का प्रदर्शन था। हमें उम्मीद है कि आप इस मेले में गए होंगे और भारत की ऐतिहासिक चीजों की खरीदारी भी की होगी। अब भारत का सबसे बड़ा म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन हैदराबाद में है। यह ब्यूटीफुल और मैसिव फाउंटेन हुसैन सागर लेक पर है। इसमें 3 लेजर सेट हैं। इसकी 800 हाई पावर जेट नोजल्स और 880 अंडर वाटर LED लाइट्स और मिस्टी फेरी फॉग से संगीत के साथ साथ क्लाउड इफेक्ट बनता है। इसे तैयार करने की कुल लागत 17 करोड़ रुपए है, जिसमें अगले 3 साल के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की सुविधा भी शामिल है। साप्ताहिक दिनों में इसके 3 शो और वीकेंड और छुट्टी के दिनों में 4 शो होंगे। तो यदि आप हैदराबाद में हैं तो यह नया चमत्कार जरूर देखें। इस सप्ताह का मुहावरा है कमर टूटना, जिसका मतलब है हिम्मत हार जाना। कप्तान के आउट होने पर पूरी टीम की कमर टूट गई। बूझो तो जाने, बिल्ली की पूंछ हाथ में, बिल्ली रहे इलाहाबाद में। पतंग पहचानो कौन? 19वीं सदी के ब्रिटिश ऑथर और सोशल क्रिटिक हैं और विक्टोरियन युग के अपने पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए प्रसिद्ध है। उनके अध्ययन कक्ष में एक नकली बुककेस से एक गुप्त दरवाजा था, जिससे वे विक्टोरियन युग के बैटमैन कॉस्ट्यूम में दूसरे कमरे में जाते थे और उन्होंने फेक बुक टाइटल्स भी खोजे थे क्योंकि वे अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते थे। 12 साल की उम्र में उन्हें अकेले ही एक बुक ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना पड़ा, जहां उन्हें एक हफ्ते में 6 शिलिंग मिलते थे। वहां वे जूतों की पॉलिश के लिए प्रयोग में आने वाले ब्लैकिंग पॉट्स पर लेबल चिपकाते थे। इन्हें पहचानना आसान है, ये चार्ल्स डिकेंस हैं। क्या आपको मालूम है कि द टेल्स ऑफ टू सिटीज के लेखक को अपने घर के फर्नीचर बार बार अलग तरह से सजाने और घर को साफ करने का जुनून था। क्या आपको मालूम है कि पश्चिमी देशों में चीनी एक मसाले के रूप में मानी जाती थी? है ना हैरानी की बात। जब चीनी मिडिल एजेस में मिडिल ईस्ट के रास्ते पहली बार सिल्क रोड रूट्स से इंग्लैंड में लाई गई थी, तो इसे एक मसाले के रूप में जाना जाता था। यह इसलिए था क्योंकि चीनी को जिंजर, सिनेमन, सैफ्रन और अन्य एक्जॉटिक स्पाइसेस के साथ रखा जाता था, जो केवल अमीर लोगों को उपलब्ध होते थे।
दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। भित्ति चित्रकला के पहले प्रमाण रोमन वास्तुकला में पाए गए थे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के चैतन्य छाजर का हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का यह समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको किसी बात का संदेह हो तो आप अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई जोखिम ही ना उठाएं, क्योंकि अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। यदि आप जोखिम उठाते हैं तो बाद में पछताएं नहीं। इस बात से संतुष्ट रहें कि आपने कोशिश की और उससे कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त किया। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।